आप सुन, थोड़ा सा पीछे हो जाने का। पीछे भी देख के सो एक्चुअली शी इज़ द मैजिशियन ओवर हियर। सो हमारा तो होल आइडिया इज दैट वी वॉन्ट पीपल टू टेक इनिशिएटिव, whether it's from like the privileged class, like maybe like you and me who can like make campaigns, okay, or there are people from the community, and community is not religion, community is just people speaking. That's right. हेलो भाई, तू छोड़ आइए हर कोई नहीं ओपन अप होता है ना, अपनी अपनी क्या तकलीफ है आपको, तो एक एक होता है ना स्टोरी। So, I'll tell you what. So, during the pandemic, if you see, a lot from every... So, if you remember, मैंने आपका भी स्टोरी देखा था, whoever is putting any help, asking for oxygen or anything, like you just posting. During those times, I think, सारे इन्फ्लुएंसर्स का था कि मतलब everyone is just trying to posting कि आप सब करो. फिर किसी ने जो है वो कोलेक्ट कर दिया. सबसे पहले ये जानना चाहेंगे ये इनिशिएटिव आपने कैसे लिया, साथ ही डोनाल्ड भी आपके साथ इसके साथ जुड़ी हुई है, आपके फाउंडेशन का नाम और कब कैसे स्टार्ट किया। साथ ही हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के वो भी यहाँ आए। तो सबसे पहले डोनाल्ड जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना टाइम निकाल के हमारे साथ, वी आर इन धारावी टुडे, हम धारावी में आए हैं और ये कैंपेन है, ये एनजीओ या फाउंडेशन नहीं है, इसका डिफरेंस मैं बताता हूँ। बट कैंपेन शुरू हुआ ये 2020 में फर्स्ट लॉकडाउन में, फीडिंग फ्रॉम फार करके, इट्स एन ऑनलाइन कैंपेन। ऑल राइट, सो इट्स एन ऑनलाइन कैंपेन। आइडिया ये है कि हम चाहते हैं कि जो लोग एरियाज़ में ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे रुखसाना जी ने लिया है, हम मच्छीवार नगर में भी और एरियाज़ में करते हैं, गोवंडी से स्टार्ट किया, तो वहाँ के जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ हमारे एरिया में इशूज़ हैं और हम डिसाइड करेंगे कौन किस कौन मतलब, तो भूख में काम करता है, दैट्स द रीज़न फीडिंग फ्रॉम फार। आज हमारी आई थिंक आवाज़ और बुलंद हो गई है बिकॉज डोनाल्ड जी इज़ हेयर विद अस इन धारावी। ऑलवेज आप जितना भी सोशल वर्क होता है मैं हमेशा उसके लिए इनिशिएटिव मैं खुद लेती हूँ, एंड आज पारितोष जी मेरे पास आए कि इस तरीके का एक ये लोग इवेंट कर रहे हैं जहाँ पे फीडिंग फ्रॉम फार। वैसे भी यू नो ये लोगों ने आपने आई थिंक लॉकडाउन में शुरू किया था और अभी तक लॉकडाउन को 2 साल हो चुका है, अभी तक इट्स स्टिल देयर एंड इट्स स्टिल फीडिंग। यू कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड जो कि लाइन पे खड़े हैं,
जिनको हम अभी यू नो फूड सर्व करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़रूरत है बेसिक नीड की, खाने की। और खाने से क्या होता है ना कि आपको जितने भी मैं मानती हूँ कि द बेसिक नीड जब आपकी पूरी हो जाती है तो आप कुछ और नहीं सोचते हैं। यू नो यू नीड टू फीड योर स्टमक, यू नीड टू फीड योर सेल्फ टू डू वर्क, यू नो। और आगे आप जितना अच्छा अपने काम करना चाहते हैं तो आपका पेट जब भरा रहेगा तो आप अच्छा काम जो आप सोचते हैं आपको ये बनना है ये करना है तो वो आप कर पाएंगे, आप उसके बारे में सोच पाएंगे। सो हियर आई एम विद पारितोष एंड वी गोना डू दिस। एंड जैसे कि मैं लॉकडाउन में भी मैंने आपको बताया कि ओपन अप टू डोनल्ड मैंने शुरू किया था एंड वो इनिशिएटिव मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव था, तो वहाँ पे मैं सब लोगों को हेल्प कर पाती थी कि अगर वो मेंटली किसी चीज़ से परेशान है तो उसी तरीके से वो एक इनिशिएटिव था। तो आज मैं एक हंगर इनिशिएटिव के साथ जुड़ी हूँ एंड आई फील सो ब्लेस्ड एंड इट्स माय प्लेजर कि मैं इतना कर पा रही हूँ सबके लिए एंड जस्ट फ्रॉम माय हार्ट। आज यहाँ पे राशन किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है करीबन, मतलब देर आर लॉट्स ऑफ फैमिलीज़ तो जिनको हम ड्राई राशन प्रोवाइड करते हैं। सो ऑल ऑफ द टीम ओवर हियर आल्सो इज एक्साइटेड दैट डोनल्ड जी इज हियर ऑन ग्राउंड फॉर अस। आई हैव गॉट सम क्लोथ्स आल्सो फॉर दिस पीपल, तो एक कार्टन ऑफ क्लोथ्स भी मैं लेके आई हूँ। जितना आप स्प्रेड कर सको, जितना प्यार आप दे सको उतना ही कम है मुझे लगता है। सो आई एम दैट पर्सन हु वांट्स टू गिव, सो हियर आई एम इन धारावी। मैं इनको बता रही थी हम प्लेन से देखते थे कि पूरा इतना बड़ा धारावी है एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू कम एंड सी विटनेस व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या ज़रूरतें हैं यहाँ पे लोगों की। हमेशा सुना था, कभी आ नहीं पाई एंड थैंक्स टू हिम आई एम हियर टुडे एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। साथी डोनल्ड आपके आने से पहले मैंने सुना बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमने डोनल्ड की ये प्रोजेक्ट देखे हैं वो प्रोजेक्ट देखे हैं, कुछ बताना चाहोगे इन सभी को कि और भी कौन से नए प्रोजेक्ट देखने मिलेंगे? अभी तो फिलहाल तू जख्म है एमएक्स प्लेयर पर आ रहा है, वो सब ने काफ़ी लोगों ने देख लिया है आई एम श्योर, बट थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे टीवी में बहुत प्यार दिया एक दीवाना था रूप में एंड अभी आप वेब पे मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं, फील सो ग्रेट। ऐसे ही पूरा धारा भी मेरे साथ है, ठीक है जी। क्या पूछना है आपको? आप फॉलो करते रहिए, मेरे सारे प्रोजेक्ट्स देखते रहिए, प्यार देते रहिए, मैं आती रहूंगी धारावी में, ऊपर से नहीं देखूंगी, अब आऊंगी यहाँ पे आप लोगों से मिलने आऊंगी हमेशा, ठीक है? पूरे बच्चों को ना आपके साथ फोटो खिंचाना है। पक्का फोटो हमारे पक्का, अच्छा अच्छा पक्का फोटो खिंचाएंगे साथ ही। न्यू ईयर भी आ रहा है, ईयर एंडिंग है, नई शुरुआत होने वाली है, इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती कि मैं लोगों की मदद कर पा रही हूँ, जितनी मेरे में कैपेबिलिटी है, जितनी मेरे में शक्ति है उतना मैं 100% दे पा रही हूँ। नथिंग कैन बी बेटर देन द एंड ऑफ ईयर एंड द स्टार्ट ऑफ ईयर, नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। सोशल वर्क एक्चुअली वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इज दैट पूरा जो इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम है ना उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई थिंक डोलन लाइक योर एफर्ट टुडे ऑल्सो इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल इन दैट होल इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम दैट यू कैन डू सो मच विद दैट होल क्लाउड दैट यू हैव। इतने फैंस हैं, इतना सब कुछ है वहाँ पे। हम आज लाइक थ्रू डोनल एंड हर फैंस वील दे ऑल कम टू नो अबाउट आर कैंपेन, दे कैन लाइक नॉट जस्ट आर कैंपेन, एवरीवन कैन टेक पार्ट इन एनी कैंपेन, बट या इट्स सो इंपॉर्टेंट आप लोगों को भी मदद करने की, बिकॉज हम सिर्फ हम अकेले मदद करेंगे उससे कुछ होगा नहीं, एक इंडिविजुअल करेगा उससे कुछ होगा नहीं, पारितोष ही करते रहेंगे उससे कुछ होगा नहीं, बट एवरी सिंगल पर्सन नीड्स टू हेल्प एवरी सिंगल पर्सन, दैट इज द प्रायोरिटी। आप हर कोई एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल ना, सब सॉर्ट हो जाएगा, लाइफ विल बी मच इजियर फॉर एवरी वन। अभी तो सिर्फ बिग बॉस नहीं, अब बिग बॉस हमने हमेशा देखा है कि पीपल कम टू देयर लाइक तुमने क्या किया है पूछते हैं, लेकिन आज तो आप बहुत बड़ा इनिशिएटिव कर रही हो, अगर आप जाती हो तो क्या आप ये कहना चाहोगे प्राउडली टू हिम? मैं सबको बोलना चाहूंगी कि सिर्फ अपने लिए मत सोचिए, सबके लिए सोचिए,
बिग बॉस सलमान जी जैसे जुड़े हैं सोशल वर्क से, वैसे ही मैं भी जुड़ी हूँ सोशल वर्क से. ही इज़ आर इंस्पिरेशन फॉर जितना भी हम भी लोगों के लिए कर पा रहे हैं. सलमान जी इज़ एक्चुअली द इंस्पिरेशन फॉर मी, फॉर सो मेनी पीपल. सो जस्ट बी यूनाइटेड, बी टुगेदर. लास्ट ईयर न्यू ईयर विश टू ऑल द व्यूअर्स. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. एंड जस्ट stay blessed and keep spreading the blessings. Yeah. thank you. Photo shoot karna hai. Photo shoot karna hai. और सब अच्छी क्वालिटी का है. Like 500 times.
फैमिली की चिल्ड्रन को 1000 फैमिली वर्क ऑल लेवल पे तो क्या क्या नहीं किया मैंने तो आपने तो पूरा लॉकडाउन में मुझे बुलाना चाहिए मैम अभी भी काफ़ी हालत खराब है ఫ్రెండ్ తోనే ఉత్తేజం ఉంది